हेलो गाइस, तो आज हमने बनाया है बहुत ही अमेजिंग सा चिकन क्रीमी हाफ मून्स, जो बहुत ही क्रीमी और डिलिशियस होता है। रमज़ान के लिए भी अच्छा है और पार्टीज के लिए भी। तो रेसिपी जानने के लिए एंड तक बने रहना। तो यहाँ पे मैं फिलिंग रेडी कर रही हूँ, जिसमें मैंने एक पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल डाली है और एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने बारीक काट कर डाल दी हूँ इसमें। और इसे अच्छे से सॉटे कर लेना है 2 से 3 मिनट, जब तक का ये हल्का सा अपना कलर नहीं बदल देती। फिर इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 हरी मिर्ची बारीक काट के, और इसे भी अच्छे से भून लेंगे जब तक का इन सब की स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। अच्छे से भून लेने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 से 50 ग्राम चिकन। यहाँ पे मैंने चिकन के पीसेस को बारीक बारीक काट कर ले ली हूँ। आप चाहे तो चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसी जगह पर। और फिर इसे अच्छे से हमें भून लेना है जब तक हमारा चिकन कलर नहीं बदल देता पूरा। ये देखिए पूरा चिकन वाइट हो गया, तब हम इसको ढककर पका लेंगे। ढककर पकाने के बाद हमने चिकन अच्छे से ब्राउन कर लिया। मेरा थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो गया, आपका वाइट है तो आप टेंशन ना लीजिए। फिर यहाँ पे डालेंगे 1 और आधा टेबल स्पून मैदा। मैदा डाल के इसे अच्छे से 1-2 मिनट भून लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे दूध। यहाँ पे मैंने टोटल 1 कप दूध यूज़ करी हूँ, पर आपको धीरे धीरे कर कर डालना है। ये मिक्स करते टाइम हमारा गैस का फ्लेम मीडियम से लो पे होना चाहिए, हाई पे नहीं होना चाहिए। और इसे हम धीरे धीरे दूध डाल के इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। फिर हम इसमें डालेंगे कॉर्न। यहाँ पे मैंने 1/2 कप कॉर्न बॉईल करके रखी थी, ये डालेंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्ची जो आधी है, इसे भी मैंने बारीक काट कर रखी थी, इसे भी हम डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दूध कम लगेगा तो और डाल देंगे। टोटल मैंने 1 कप दूध ही डाली हूँ। फिर इसमें हम डालेंगे ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, नमक स्वाद अनुसार, सबका मेजरमेंट स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इसे भी डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो देखा, अब हमारी फिलिंग एकदम बनकर रेडी है। बहुत ही अमेजिंग सी फिलिंग बनकर रेडी थी। फिर इसे हम साइड पर रख देंगे ढककर। फिर चलिए हमारे डो की तरफ चलते हैं। तो इसमें डालेंगे, एक पतीली में हम डालेंगे 1 कप पानी। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर, बटर नहीं तो आप तेल डाल दीजिए स्वाद अनुसार, नमक और 1 टेबलस्पून शक्कर। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। जब बॉयल आने लगेगा तब हम इसमें डाल देंगे मैदा। और मैदा डालते साथ इसे अच्छे से हिला लेंगे। 1 कप मैदा मैंने यूज़ की हूँ, 1 टेबलस्पून और ऐड की हूँ। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। आपको स्टार्टिंग में बहुत स्टिकी स्टिकी लगेगा, बट नहीं, ऐसे ही बनता है। आराम आराम से आप पेशेंस से कीजिए। ये देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे बाकी बचा हुआ मैदा और फिर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा कुछ डो ऐसा दिख रहा है। फिर इसे हम ढक कर छोड़ देंगे जब तक ये ठंडा ना हो जाए। फिर ये देखिए अच्छे से जब ठंडा हो चुका था तब मैंने इसमें थोड़ा सा मैदा और डस्ट करी। ये अलग से मैंने मैदा ली थी। और फिर इसे अच्छे से हम एक आटे जैसा गूंदते हैं वैसा, एक सॉफ्ट डो के जैसा गूंद लेंगे। ये देखिए ऐसा हमारा डो दिखना चाहिए, एकदम ऐसा सॉफ्ट। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हमारी फिलिंग में 2 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़, जो एकदम ऑप्शनल है। आप इसकी जगह पे नॉर्मल चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ये पार्टे सिप कर सकते हैं। अब डो में से हम बड़ा सा एक हिस्सा ले लेंगे और इसे अच्छे से एक बॉल बना लेंगे, जैसे हम एक रोटी के लिए बनाते हैं बड़ा वाला। फिर सूखा आटा लगाकर इसे हम जैसे नॉर्मल रोटी बेलते वैसा एक बड़ी रोटी बेल लेंगे धीरे धीरे करके। जब जब हमें सूखा आटा लगेगा तब तब हम इसमें ऐड करते जाएंगे और बेलते जाएंगे। ये देखिए अच्छे से बेलने के बाद एक कटोरी ले लेंगे और हम इसे एक कटोरी की शेप में कट आउट कर लेंगे। देख सकते हैं ऐसा एक सर्कल हम तैयार कर लेंगे।
तो देख सकते हैं हमारे हाफ मून्स के कवर रेडी है। अब हम सब असेंबल करेंगे। तो यहाँ पे ले लेंगे हम एक हमारा सर्कल, उसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी फिलिंग। फिलिंग उतनी डालना है जितनी हमारे सर्कल में आएंगी, ज़्यादा ओवर फिल ना करें वरना वो फट सकता है। फिर पानी से हम इसके साइड पे लगाएंगे और इसे अच्छे से हम चिपका देंगे चारों कोने से। देखिए कुछ चिपकाने के बाद ऐसा दिखेगा हमारा। अब हम इसे एक अंडे में डुबाएंगे। मैंने यहाँ पे एक अंडा फेंट कर रखी थी, इसको इसमें डुबाएंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर लेंगे। ये देखिए हमारी कोटिंग एकदम बनकर तैयार है। अब हमें सिर्फ इसे फ्राई करना है, तो 15 मिनट हम फ्रीज करेंगे तो अच्छा होगा। इसे गर्मा गर्म तेल में फ्राई कीजिए। अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते ऐसे, और फिर हम इसे निकाल लेंगे अच्छे से इसका तेल एक्सेस निकाल कर। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, अभी से मुझे खाने का मन कर रहा था। तो देखा आपने कितने बेहतरीन तरीके से हमने हमारे चिकन हाफ मून्स बनकर तैयार किए। जो देखिए अभी मैं तोड़ूंगी तो कितना मस्त लगेगा, एकदम अंदर से क्रीमी और चीज़ी था। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताना कि कैसा बना था, और ख़ास करके रमज़ान में तो बनाएंगे तो सबका दिल आप जीत लेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और मेरे चैनल पे और भी रेसिपीज चेकआउट करना ना भूले गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।